वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं हूं चेतन पाठक और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। उत्तर प्रदेश आजकल चर्चा में है और हो भी क्यों ना, देश के सबसे बड़ी जनसंख्या वाले सूबे में अगले कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं। अब सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और तैयारी पूरी है, रैलियों में भीड़ जुटने लगी है, चुनावी वादे प्रदेश को नई सौगातें मिल रही हैं, जगह जगह नई परियोजनाओं के शिलान्यास भी हो रहे हैं और इसी के साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। लेकिन उत्तर प्रदेश इन दिनों एक और बात के लिए चर्चा में है, वो है कन्नौज के गुटखा कारोबारी पीयूष जैन के घर से निकल रहे नोटों के बंडल। नोट इतने हैं कि बोरे कम पड़ रहे हैं। नोटों की गिनती करते करते आयकर विभाग की टीम के दिसंबर की कड़कड़ाती सर्दी में भी पसीने छूट रहे हैं। विभाग की टीम तो कुछ ही पैसों की गिनती करने का सोच के आई थी, लेकिन वहां पहुंचकर इतने पैसे निकले कि नोट गिनने वाली मशीन भी गर्म हो गई। हर जगह से छप्पड़ फाड़ के नोटों के बंडल बाहर आने लगे। लेकिन बस इतना ही नहीं, कारोबारी पीयूष के घर से बेशकीमती हीरे जवाहरात और करीब 6 करोड़ की कीमत वाला चंदन का तेल मिला है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक मामूली से दिखने वाले कारोबारी ने अरबों की दौलत जमा कर रखी थी। लेकिन अभी इतना ही नहीं, यहां पुरातत्व विभाग की टीम को भी बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि दीवारों में ऐसे तहखाने हो सकते हैं जहां अभी और भी दौलत को छिपा के रखा गया हो। अब इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला बोला है। एक एक शौचालय उपलब्ध करवाया है, ये है डबल इंजन की सरकार का लाभ। ये जो आवास पहले गरीब को ढूंढने से नहीं मिलते थे, ये पैसा कहां चला जाता था? शौचालय का पैसा पहले कहां चला जाता था? बिजली का पैसा कहां चला जाता था? भाइयों बहनों, मैंने तो आज तक देखा था और मैंने सुना था और पुराणों में भी, धार्मिक ग्रंथों में भी यही बात मैं मानता था, सुनता था, देखता था कि देवी लक्ष्मी दीपावली के दिन दीपोत्सव के साथ आती है, लेकिन इन पापियों ने तो दीवालों में बंद करके रखा है। देखा आपने समाजवादी पार्टी के नेताओं के घरों में दीवालों से भी देवी लक्ष्मी अब निकलने लग गई है। नोटों की गड्डियां अनगिनत गिने नहीं जा रहे हैं, 3 दिन से गिने जा रहे हैं और गिनते गिनते जब सभी अधिकारी थक गए हैं तो समाजवादी पार्टी के बबुआ अपने जेब में बोतल लेकर के फिर रहे हैं। अब उनको अपना असली चेहरा जनता के सामने जब नहीं दिखाई दे रहा है तो स्वीडन में बनी हुई बोतल को अपनी जेब में रख करके एक नई नौटंकी करते हुए दिख। समाजवादी नेताओं के घरों से अनगिनत नोटों के बंडल निकल रहे हैं। अधिकारी नोट गिनते गिनते थक गए हैं तो समाजवादी पार्टी के बबुआ जेब में बोतल लेकर फिर रहे हैं और एक नई नौटंकी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब समझ आ रहा है कि ये नोटबंदी का विरोध आखिर क्यों कर रहे थे। आपको बता दें कि कारोबारी पीयूष जैन के सभी ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और पीयूष को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उसके कानपुर और कन्नौज के ठिकानों से करीब 200 करोड़ कैश, 23 किलो सोना और 9 ड्रम चंदन का तेल मिला है। अखिलेश यादव ने पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमारी पर कहा कि कारोबारी का संबंध सीधे तौर पर भाजपा से है, बीजेपी सपा की रैलियों में भीड़ देखकर पूरी तरह बौखलाई हुई है। इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल।